नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी और पंजाब में आज विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। आज यूपी में तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, तो वहीं पंजाब में 117 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। यूपी की बात करें तो यूपी में शाम 6 बजे तक करीब 60% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो वहीं पंजाब में करीब 65% वोटिंग हुई। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव संग जसवंत नगर में मतदान किया। अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी जसवंत नगर में वोट डालने पहुंचे। हालांकि स्वास्थ्य के तौर पर पूरी तरह से फिट ना हो पाने की वजह से मुलायम सिंह व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे, जहां उनके साथ काफी संख्या में भीड़ दिखाई दी। जसवंत नगर सीट से सपा गठबंधन के उम्मीदवार शिवपाल यादव ने भी सैफई के अभिनव विद्यालय में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भी सैफई के अभिनव विद्यालय बूथ पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को चौथे चरण में ही बहुमत मिल जाएगा। पंजाब की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पिता प्रकाश सिंह बादल और पत्नी हरसिमरत कौर के साथ मुक्तसर में वोट डाला। इस दौरान प्रकाश सिंह बादल ने दावा किया कि अकाली दल और बसपा गठबंधन 80 सीटें जीतेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपना वोट डाला। इस दौरान चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत के साथ फिर से राज्य में सरकार बनाएगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला में वोट डाला। उन्होंने पटियाला से अपनी जीत का भरोसा जताया और कहा कि पूरे राज्य में उनका गठबंधन जीतेगा। कैप्टन ने यह भी दावा किया कि इस चुनाव में पूरे राज्य से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। वहीं पंजाब में जन्म से ही शरीर से आपस में जुड़े दो जुड़वा भाइयों ने भी रविवार को पंजाब विधानसभा चुनाव में अलग अलग मतदान किया। पंजाब में आज एक पोलिंग बूथ में प्रवेश करने के आरोप में एक्टर सोनू सूद की गाड़ी पर मोगा पुलिस ने एक्शन लिया और उसे जब्त कर लिया। एक्टर सोनू सूद की बहन मोगा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार है। वहीं वोटिंग के बीच सोनू सूद ने अकाली दल समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्टर ने कहा कि बहुत से लोग, विशेष रूप से अकाली दल के लोग, डरा रहे हैं। बहुत सारे बूथ में पैसे बांटे जा रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तो पारदर्शी होने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।